है गैच, आज क्लास 11th के लिए पार्ट 8 कमर्शियल आइटम लेकर आए हैं। और ये भी आपका जो कमर्शियल आइटम है, ये कमर्शियल वर्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से इसको देखिए और बढ़िया से इसको क्या कीजिए समझिए और इसको याद करते जाइए। ये वीडियो जो बन रही है आप लोगों के सुविधा के लिए क्या किया जाए बनाया जा रहा है, और आप लोग की जो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको देखते हुए इसको क्या क्या बनाया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसको एडिट करेंगे, बढ़िया से इसको स्टडी करेंगे, बढ़िया से इसको देखेंगे और सवाल में इसको इस्तेमाल भी करेंगे। जब आपको सवाल बनाया जाता है तो समझ लीजिए कि बिना वर्ड पावर का आपका क्लास 11th का सवाल जो है बनाना क्या होता है, असंभव हो जाता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि पूरे वर्ड पावर को क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इसलिए आप लोग के लिए हम स्पेशल रूप से जो होता है स्पेशली ढंग से जो है आपके लिए ये वीडियो को बनाया जा रहा है। लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी लिखिए, हो सकता है तो उसको क्या कीजिए शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए ये वर्ड पावर में आपका जो पहला है ये आपका है एसेट्स, ASETS, एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति जिसको बेचकर पैसा आता हो, जिसको बेचकर पैसा आता हो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दो में लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, SUBS सब्सक्रिप्शन, CRIPTION सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ चंदा। उसके बाद आपका है डोनेशन, DONATION डोनेशन मीन्स आपका हो गया दान। उसके बाद आपका हो गया चार में हो गया आपका रॉयल्टी, ROYALTY रॉयल्टी, रॉयल्टी मीन्स आपका होगा अधिकार शुल्क ये हो गया अधिकार शुल्क हो गया। ठीक है, पांच में हो गया आपका फर्नीचर, FURNITURE फर्नीचर, ये फर्नीचर मतलब आपका होता है उपस्कर, और यह फर्नीचर भी आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर मतलब फर्नीचर या उपस्कर दोनों बात आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीन आपका जो होता है फर्नीचर का उपस्कर ही होता है। उसके बाद आइए प्लांट, PLANT प्लांट, प्लांट मीन्स आपका होता है यंत्र। उसके बाद सेवन में आइए मशीनरी, MACHINERY मशीनरी, मशीनरी मीन्स आपका होगा मशीन, मशीन। उसके बाद आपका लूज टूल्स, LOOSE लूज टूल्स, TOOLS लूज टूल्स, मानो गया छोटी औजार हो गया लूटूस। उसके बाद आपका नौ में हुआ इन्वेस्टमेंट, INVEST इन्वेस्टमेंट, MENT इन्वेस्टमेंट मीन्स आपका हो गया विनियोग या आपका हो गया निवेश, या आपका क्या हुआ विनियोग या निवेश। उसके बाद दस में होगा लैंड एंड बिल्डिंग, LAND लैंड एंड आपका होगा बिल्डिंग, BUILDING लैंड एंड बिल्डिंग, इसका मतलब हुआ भूमि और भवन,
इसका मतलब हुआ भूमि और भवन, भूमि और भवन। देखिए ये आपका पार्ट 8 में 10 ओवर पावर है, 10 ओवर पावर को हम यहाँ लिख दिए हैं। यह याद करना आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। ये आपका एसेट्स है, एसेट्स का मतलब संपत्ति, जिसको करके बेच करके आपका पैसा आता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। सब्सक्रिप्शन मीन्स आपका क्या हो गया, चंदा। अब देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन क्या आपका हो गया, चंदा हो गया। चंदा अब कहते हैं किसको, जैसे आप NPO है, अलाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है, वो सब संस्था सब क्या करती है, अपने मेंबर से, ठीक है, अपने सदस्य से वो क्या करती है, वो मंथली हिसाब से पैसा लेती है, मेंबरशिप का पैसा लेती है, वो पैसा इसको क्या कहलाता है, चंदा। ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। डोनेशन का मतलब हुआ दान, वैसे का मतलब क्या हुआ, दान। ये बड़े बड़े पार्टी जो होते हैं अलाभकारी संस्थान में, गैर लाभकारी संस्थान में क्या करते हैं, समाज की सेवा के लिए, संस्था को, अलाभकारी संस्था को क्या करने के लिए, चलाने के लिए, वो सब क्या करते हैं, दान देते हैं, इसलिए डोनेशन मतलब दान। रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ, अधिकार शुल्क। ये रॉयल्टी हो गया अधिकार शुल्क, इसमें आपका क्या आता है, विशेष अधिकार दिया जाता है। रॉयल्टी भी एक प्रकार का क्या आता है, किराया होता है, लेकिन जनरल किराया नहीं होता है, ये आपका स्पेशल किराया होता है, समझ गए ना, इसमें विशेष अधिकार दिया जाता है। और इस विशेष अधिकार को इस्तेमाल करके जो लैंडलॉर्ड को, भूस्वामी को जो राशि दी जाती है वही कहलाता है अधिकार शुल्क। ये उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर का जो शुद्ध हिंदी होता है ये होता है उपस्कर, ऐसे फर्नीचर उसको कहते हैं। प्लांट का मतलब आपका क्या हुआ, यंत्र। प्लांट का मतलब क्या हुआ, यंत्र। उसके बाद मशीनरी, MSHIN, मशीनरी का मतलब क्या, मशीनरी। मशीनरी का क्या हुआ, मशीन। लूज टूल्स, LOOSETOOLS, लूज टूल्स माने क्या हुआ, छोटी औजार। इन्वेस्टमेंट माने क्या हुआ, INVEST, इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, निवेश भी कहते हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, LAND, लैंड एंड बिल्डिंग, BULDING, लैंड एंड बिल्डिंग मीन्स क्या हुआ, भूमि, और क्या हुआ, भवन। ये आपको 10 वर्ड पावर आपके लिए ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका, दैट्स ऑल।